जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमारे पूज्य श्री नरेश भैया जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया कि जब भी हम किसी भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान के सामने इस श्लोक का उच्चारण करें और इसके अर्थ की भावना करें। श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तव सायुज्यम देहि में परमेश्वरम। कि हे परमेश्वर, मुझे सहजता से मृत्यु, हे नाथ दैन्य रहित जीवन और देहांत के पश्चात आपसे सायुज्य अथवा एक रूपता देने की कृपा करें। सहजता से मृत्यु की सुंदर व्याख्या महामृत्युंजय मंत्र में मिलती है कि जैसे पकी हुई ककड़ी खरबूजा या पके फल जैसे अपनी डंठल से टहनी से अपने आप अलग होते हैं, वैसे ही नाथ मुझे सहजता से मृत्यु की प्राप्ति हो। फल पकने के बाद का आशय है मनुष्य का नैसर्गिक आयुर्मान शतक पूर्ण करने के पश्चात पहले नहीं अवधि पूर्व समय के पूर्व ही अपघात या किसी रोग या आपत्ति से अचानक यातना में मरण ना दें प्रभु। बिना दैन्येन का आशय भी गहरा है, दैन्य से दीनता आशय है। दीनता में कई बातें अभिप्रेत हैं, केवल दारिद्र ही नहीं, जैसे मैं किसी का सहारा लेकर लाचार बनकर अपना जीवन यापन ना करूं, वृद्धावस्था में खाना पीना चलना फिरना चरितार्थ के लिए दीन ना बनूं, अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता से जी सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना प्रभु। सायुज्य का अर्थ है कि परमेश्वर से एक रूपता पूर्ण रूपेण समा जाना, यही हर भक्त की मुक्ति की आकांक्षा रहती है कि अंत समय में भगवान उनके सामने हों, भक्त और भगवान का मिलन हो जाए। इस श्लोक को दास डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा है। जय श्री राधे। जय श्री